वेलकम बैक टू योर रूल लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर करने जा रहे हैं। कल एग्जाम है ना, और कैश फ्लो के अंदर अगेन प्रॉब्लम आ रही है आपको। और टॉपिक क्या है? लॉस ऑफ मशीनरी या लॉस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू फायर। ये फायर वाला जो पॉइंट है ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। इस बार के सैंपल पेपर्स में इतने सारे क्वेश्चंस हैं इस पॉइंट से रिलेटेड जो बच्चों को परेशान कर रहे हैं, और कल एग्जाम है। ठीक है, तो कल के एग्जाम से पहले एक बार इस क्लास को अटेम्प्ट कर लो, आपके सारे डाउट कैश फ्लो के खत्म हो जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, और ये क्लास स्पेशली मयंक नंदवानी और चित्रल पमेचा की रिक्वेस्ट पे स्पेशली की जा रही है। उनके भेजे हुए क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को भेज रही हूँ। होपफुली कल एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बेटा ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसका स्क्रीन शॉट ले लेना। इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जिन जिन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उन डाउट्स को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। आपके सैंपल पेपर के अंदर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन को समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ये लॉस ऑफ मशीनरी या लॉस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू फायर की जो प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से एडजस्ट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, वो सब हम यहाँ पे करेंगे। तो विदाउट स्किपिंग कम्प्लीट दिस वीडियो एंड I promise your all the doubts will be completed of cash flow. Fine. So, ये question है Smart Play Limited का। Smart Play Limited ने कुछ shares issue किए हैं, जिसका पहले share capital जो है 10 lakh था, इस बार जो है share capital 12 lakh दिखाया गया है। लेकिन ये bonus shares हैं। इस बार जो shares issue हुए हैं वो bonus shares की form में हैं, और ratio 5:1 करके आपको दिया गया है। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको जो नेट प्रॉफिट दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, आफ्टर एडजस्टिंग सो मेनी आइटम्स, आपको जो नेट प्रॉफिट दे रखा है दैट इज 7,50,000। अब होपफुली आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, क्योंकि आप सभी लोग, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है, सभी लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो सभी के पास ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन होगा। और जिसके पास नहीं है, स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया गया है, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको जो है नेट प्रॉफिट 7,50,000 का दिया गया है। अब हमें सबसे पहले कैश फ्लो सॉल्व करने के लिए निकालना क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी होती हैं? एक तो डिविडेंड, और डिविडेंड कौन सा वाला लेना होता है? पेड वाला। ठीक है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे वो इस ईयर का फाइनल डिविडेंड पेड हो, पेड होगा तभी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। अगर वो पेएबल है, ठीक है, या वो प्रपोज्ड है, तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका इंटरिम डिविडेंड है वो आपको दे रखा है 90,000। इंटरिम डिविडेंड बेटा आपको 90,000 दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट वैल्यू आपको दे रखी है फाइनल डिविडेंड की, और ये फाइनल डिविडेंड आपको दो ईयर का दे रखा है, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी। बेटा देखो, फाइनल डिविडेंड जो है वो पेड नहीं है, प्रपोज्ड की फॉर्म में दे रखा है। तो जो पिछले साल का प्रपोज्ड था उसकी पेमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में हुई होगी, तो हमारा जो कैश है इस ईयर का वो पिछले वाले प्रपोज्ड डिविडेंड की वजह से कम हुआ होगा। इस बार का जो प्रपोज्ड है, करंट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है, वो तो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होगी, तो वो तो प्रपोज्ड है, सिर्फ प्रपोजल है, उसकी वजह से कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। तो हमें कौन सा वाला लेना है यहाँ पे नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करने के लिए? हमें कौन सी वाली लेनी है? प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड वैल्यू डिविडेंड की। ठीक है, और वो आपको दे रखी है 1,60,000। तो फाइनल डिविडेंड आपका 1,60,000 दिया हुआ है। क्लियर है ये वैल्यू? ठीक है, लास्ट ईयर की आपकी 1,60,000 था प्रपोज्ड, और इस ईयर की जो प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड है वो आपका 2 lakh दिया गया है। तो 2 lakh वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, वो सिर्फ प्रपोजल है इस ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एब्नॉर्मल लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस आपका मशीन की वजह से हुआ है ना, आग लग गई, जल गई, तो वहां पे आपको लॉस दे रखा है 20,000 का।
एबनॉर्मल लॉस है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है, लॉस है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एड बैक। हमने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ा था एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम के टाइम पे कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम की एंट्री दो जगह पे होती है, एक यहाँ पे नेट प्रॉफिट के टाइम पे और दूसरा उसकी कंसर्न एक्टिविटी के अंदर जाके एडजस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ले लेते हैं लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर। तो फायर की वजह से आपको 20,000 का लॉस हुआ है, उसको वापस एड बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका टैक्स भी है। अब टैक्स करंट ईयर का प्रोविजन और लास्ट ईयर का प्रोविजन आपको दे रखा है, करंट ईयर का 80,000 दे रखा है और प्रीवियस ईयर का 60,000 दे रखा है। तो कौन सा वाला लोगे यहाँ पे, करंट ईयर वाला ना, क्योंकि करंट ईयर वाला प्रोविजन हम यहाँ पे लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैक्स प्रोविजन, और बेटा ये कौन सा है, ये करंट ईयर का होता है। तो यहाँ पे आपके पास कितना अमाउंट है, 80,000 रुपीज आपके यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो लॉस हुआ था, इस लॉस के बदले में आपको कुछ इंश्योरेंस भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अगेन वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम जो आपको रिसीव्ड हुआ है, बेटा ये रिसीव्ड वाला है, उसको हम माइनस कर देंगे और उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज उसकी वैल्यू है जो आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है आपका टैक्स भी रिफंड हुआ है, टैक्स रिफंड, अगेन ये इनफ्लो है। ठीक है, इसने फिर से हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज किया होगा तो इसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी और टैक्स रिफंड की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपीज आपके टैक्स रिफंड की वैल्यू है। अब देखो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, दैट वुड बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। ठीक है, और कितनी होगी, जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, ये ब्रैकेट वाली चीजें माइनस होती है ये तो मालूम ही है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 10,70,000। आपके क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्यूशन दे रखा है बुक के अंदर, उसके अंदर भी यही वैल्यू है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया, होपफुली यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करते हैं। तो आ जाते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम एडजस्ट करने लगते हैं। क्या क्या दे रखा है आपके क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 40,000 का, स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधे डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 दिखा रखा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनकम है बेटा। ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव हुआ है उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि ये तो इनकम है। तो कितनी रिसीव हुई है, 30,000 आपको रिसीव हुई है, उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट दे रखा है गुडविल, और बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है उसके रिगार्डिंग, कुछ परचेज भी की है, ओपनिंग क्लोजिंग भी है। तो बेटा जब भी हमारे पास दो से ज्यादा वैल्यू दे रखी होंगी क्वेश्चन के अंदर किसी भी आइटम की, तो उस आइटम के लिए फिर हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले उसका अकाउंट बना के देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, गुडविल हमारे पास क्या रहेगा, गुडविल हमारा होता क्या है, एसेट होता है ना, तो एसेट की ओपनिंग कहाँ से होगी, हम यहाँ पे कर लेते हैं, और ओपनिंग हमारे पास इस साइड से होगी। तो ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस बीडी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको कितना दे रखा है गुडविल का, 80,000 रुपीज। ठीक है, और साथ ही साथ बाई साइड में आप क्लोजिंग बैलेंस इसका डाल दोगे, या बैलेंस सीडी जिसको कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 30,000 का। ठीक है, ओपनिंग के टाइम पे 80,000 थी, क्लोजिंग के टाइम पे 30,000 थी, और इसी बीच में 20,000 की परचेज भी की है। तो परचेज किस साइड लिखते हैं, जिस साइड हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं उसी साइड हम परचेज की वैल्यू भी डालते हैं। तो टू परचेज अकाउंट हमारे पास हो जाएगा 20,000। बेटा मैं ये अकाउंट वगैरह यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर लिखना है, मैं तो जल्दी में आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ।
ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। और यहां से अब आपके पास ये 1 लाख हो गया, इसका मतलब है आपने 70,000 का गुडविल जो है, क्योंकि पहले 80 थी, बीच में आपने 20 और खरीदी है तो 1 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन है सिर्फ 30, इसका मतलब है 70,000 की एमरटाइज हुई है गुडविल। तो आपके पास जब इनटैंजिबल एसेट एमरटाइज होता है तो उसको भी तो यहाँ पे मेंशन करते हो ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आपके पास क्या आ जाएगा, गुडविल एमरटाइज कितना, 70,000। और ये तो प्लस होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अलावा हमारे पास कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम ऐसा नहीं दिया गया है क्वेश्चन के अंदर जो हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसका टोटल हमारे पास 110 माइनस 30 80,000, और 80,000 को जब हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 11,50,000 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है बेटा, ये क्या है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले, क्योंकि इसके बाद हमें एक और स्टेज क्रॉस करना होता है वर्किंग कैपिटल चेंज, जिसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उनकी कोई डिटेल दी नहीं गई है और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा भी नहीं गया है, क्योंकि इस बार जो कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि एक पॉइंट आपसे यही पूछा गया है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज की वैल्यू निकालिए, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो ये होगी बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाते हैं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेनली क्या होता है, मशीन का सेल परचेज, और यही तो वो पॉइंट है लॉस वाला, लॉस ड्यू टू फायर, उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे पहले हम उसको समझ लेते हैं बेटा। पहले हम मशीन अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसी में हो रही है। तो मशीन अकाउंट के अंदर अगेन हमारी जो वैल्यू स्टार्ट होगी, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो 2 साइड से स्टार्ट होगा, और मशीन का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 2 लाख का, ठीक है। और दूसरी तरफ क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा है आपकी मशीन का, दैट इज 3 लाख रुपीज, फाइन, क्लियर हो गया। इस बीच में आपको कुछ लॉस भी दे रखा है बेटा। अब यूजुअली जब हम ये मशीन अकाउंट बनाते हैं तो हमारी मशीन को लेके हमें जो भी लॉस हुआ है, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, राइट। देन अगर हमें कोई एबनॉर्मल लॉस भी दिया गया है, नॉर्मल लॉस को तो हम यहाँ पे डालते ही हैं, जो सेल के टाइम पे लॉस हुआ है वो नॉर्मल लॉस है ना, तो वो तो हमारा यहाँ पे डाला ही जाता है बाय साइड में, ठीक है। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है तो उसको भी हम यहाँ पे डालेंगे, जब भी हमें मशीन की मल्टीपल वैल्यूज दी गई हो और वहां पे मशीन का लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी दिया गया हो, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर दोनों ही तरह के लॉस हमें दिए जाएंगे तो दोनों तरह के लॉस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको 2 लॉस जो है मिक्स करके नहीं दिए जा रहे हैं, जो मोस्टली पॉइंट निकल के आ रहा है वो इस एबनॉर्मल लॉस का ही निकल के आ रहा है, ये फायर वाला पॉइंट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसको अभी हम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस आपको मशीन पे कितने का हुआ था, जो आपने यहाँ पे एडजस्ट किया था, ये 20,000 का लॉस आप यहाँ पे दिखाओगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। अब लास्ट हमने एक क्लास ली थी इसी पॉइंट को लेके, उसके अंदर हमने बोला था कि एबनॉर्मल लॉस को एक तो हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और दूसरा हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लास्ट में आके माइनस कर देते हैं। बिल्कुल बेटा, अगर हमारे पास मशीन की इतनी सारी वैल्यूज नहीं दी गई हैं कि हमें अकाउंट बनाना पड़े, सिंपल वैल्यू है जिसको आप सीधे आप पुट कर दोगे, मशीन फाइनली इतनी हमने परचेज की है, बहुत ज्यादा वैल्यूज आपको नहीं दी गई है,
और वहीं पे आपको साइड बाय साइड मशीन का लॉस भी दे रखा है, तो अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो अकाउंट नहीं बनेगा तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे नहीं आएगा तो कहाँ दिखाओगे, दिखाना तो पड़ेगा। तो ऐसे केस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लास्ट में जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को आप वहीं पे ही शो कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है बेटा, होपफुली अभी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए हम कब इस वैल्यू को अकाउंट के अंदर पुट करते हैं और कब इस वैल्यू को अकाउंट के अंदर पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी तो हमें मशीन की बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो हम यहाँ पे इस एबनॉर्मल लॉस को पुट कर देंगे। क्लियर हो गया। देन हमारा एक डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, और डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन जो हमें दे रखा है वो हम यहाँ पे, वो तो यहीं पे आता है, ठीक है ना, मशीन का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग गया, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी 360,000 की। अगेन यहाँ भी 360,000 होगा, तो 160,000 का हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो शो करेगा परचेज ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। तो टू परचेज अकाउंट 160,000 यहाँ पे होगा, और ये अकाउंट क्या शो करता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, हम कैसे यूज करते हैं इसको, एज आउटफ्लो। ठीक है, कि मशीन खरीदने के नाम पे हमारा 160,000 गया है। ठीक है बेटा, तो हम यहीं पे दिखा देते हैं कि मशीन परचेज करने के नाम पे हमारा जो आउटफ्लो हुआ है वो 160,000 का हुआ है। क्लियर। इसी बीच में आपने कुछ गुडविल भी परचेज की है, की थी ना गुडविल परचेज, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दे रखा है 20,000 की आपने गुडविल भी परचेज की है। और आप अपनी इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट देखोगे तो इन्वेस्टमेंट में भी परचेज दिखा रखा है 1 लाख का। ठीक है, लास्ट ईयर और करंट ईयर के वैल्यू में 1 लाख का डिफरेंस है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, मींस आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट परचेज की है, तो परचेज की है तो आउटफ्लो तो हुआ होगा। नेक्स्ट आप इनफ्लो देख लेते हैं। इनफ्लो के केस में हमें देखो ये वाला जो था ना 30,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो ये तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट की वजह से ही तो मिला है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये वैल्यू है हमारी 30,000 की। 30,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है, उसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू माइनस है। नेक्स्ट आपके पास इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, ये वाला जो इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे माइनस हुआ है, फर्स्ट एंट्री तो यहाँ पे हुई है, सेकंड एंट्री अब यहाँ पे हो जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ था और वो अब यहाँ पे, तो हम उसको इनफ्लो ही दिखाएंगे ना इन्वेस्टिंग के अंदर, यहाँ पे तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम थी, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की एंट्री दो जगह होती है, एक तो नेट प्रॉफिट के टाइम पे और दूसरी रेलेवेंट एक्टिविटी के एंड में। तो हमारे पास यहाँ पे इनफ्लो हुआ है 40,000 का, और आउटफ्लो देखो कितना सारा हो रखा है, 160 का, 20 का, 1 लाख का, तो हमारे पास टोटल आउटफ्लो जो है वो 280 का है, और जो इनफ्लो है वो 40,000 का है, तो फाइनली हमारे पास 240,000 का आउटफ्लो मींस नेगेटिव वैल्यू नजर आ रही है, और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ये 240,000 जो वैल्यू आई है इसको हम क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है यूज्ड, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, खर्चा ज्यादा हुआ है, खरीदा ज्यादा है हमने इन्वेस्टमेंट को, हमने मशीनरी खरीदी, हमने गुडविल खरीदी, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, ठीक है, तो उसकी वजह से कैश आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, इनफ्लो सिर्फ ये 40,000 का हुआ है। ठीक है, तो आउटफ्लो मतलब कि इन चीजों को खरीदने में हमारा कैश यूज्ड ज्यादा हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ये फ्रॉम है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब यहाँ से जो खर्चे थे उनको माइनस करने के बाद में हमारे पास पैसा बचा इनफ्लो, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलने वाला कैश हमारे पास, और ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खर्च होने वाला कैश है, इसलिए हमने ये यूज्ड वर्ड यूज किया।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसको निकाल लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो देख लेते हैं, कहां कहां से इनफ्लो हुआ है। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमारी नजर कहां जाती है, शेयर्स पे। यहां पे शेयर कितने थे, 10 लाख थे और करंट ईयर के अंदर वो 12 हो गए हैं, तो ये तो दिखा रहा है कि 2 लाख का इनफ्लो हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली इनफ्लो नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दिखाया गया है, यहाँ पे स्पेशली ये बोला गया है कि ये जो शेयर्स इशू हुए हैं ये बोनस शेयर के नाम पे हुए हैं, और बोनस शेयर कौन से होते हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं बोनस की फॉर्म में, रिवॉर्ड की फॉर्म में। अब कोई चीज रिवॉर्ड की फॉर्म में दी जा रही है तो उनसे पैसे थोड़ी लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे शेयर्स के नंबर्स तो इंक्रीज हुए हैं लेकिन उनकी वजह से कैश का इनफ्लो नहीं हुआ है, क्लियर हो गया। तो इसलिए हम शेयर कैपिटल की वजह से जो इनफ्लो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 2 लाख का, उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, डन। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फिर। अब बैंक ओवरड्राफ्ट करके आपको एक वैल्यू दी गई है, और बैंक ओवरड्राफ्ट प्रीवियस ईयर में ये 2 लाख दिखाया हुआ था और करंट ईयर में 2,50,000 दिखाया हुआ है। इसका मतलब है 50,000 इस बार आए हैं, एक्स्ट्रा आए हैं, तो 50,000 का आपको इनफ्लो हुआ है, मेंशन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिविडेंड के नाम पे या इंटरेस्ट के नाम पे आपका कोई आउटफ्लो हुआ है तो यहाँ पे डिविडेंड दिखा रखा है बेटा। अब देखो बेटा, ये दोनों पॉइंट जो आपने प्रॉफिट निकालते टाइम एडजस्ट किए थे डिविडेंड के, वही तो आउटफ्लो हुआ है ना, वही तो पेड हुए है ना, और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर है। तो यहाँ पे आप फाइनली डिविडेंड पेड दिखा दोगे, और इसके अंदर बेटा अगेन हम बोल रहे हैं सिर्फ उन वैल्यूज को लेना है जो इस साल में आउटफ्लो हुए हैं, जो प्रपोज्ड है इस साल के, प्रपोज्ड है तो अगले साल आउटफ्लो होगा, अभी इस साल में नहीं हुआ है, उन वैल्यू को नहीं छूना है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर इंटरिम डिविडेंड है और करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड दे रखा है तो वो इंटरिम डिविडेंड पेड माना जाएगा बेटा, इंटरिम है, ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है, क्लियर। वो अगले साल पे नहीं होगा, वो इसी साल पे हो चुका है। तो अगर इंटरिम डिविडेंड आपको दे रखा है तो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे करंट ईयर का भी, क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे फाइनली फाइनल डिविडेंड 160 का और इंटरिम डिविडेंड जो आपने दे रखा था 90,000 का, उनको आप प्लस कर लोगे तो आपके पास 2,50,000 का आउटफ्लो है डिविडेंड के नाम पे। इंटरेस्ट कोई है नहीं जो हमने पे किया हो यहाँ पे, तो बस इसके अलावा यहाँ पे कोई एक्टिविटी थी नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 2 लाख रुपीज अगेन नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कैश अगेन फ्रॉम या यूज्ड, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी वुड बी 2 लाख रुपीज, क्लियर बेटा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते टाइम हमने सिर्फ यही दो वैल्यू ली है, हमने SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को नहीं कंसीडर किया है। आपने कई बार क्वेश्चंस किए होंगे कि लास्ट ईयर SPR की वैल्यू कम थी और इस बार SPR की वैल्यू बढ़ गई है, रिजर्व के अंदर एड ऑन हो गई है, तो आप उस वैल्यू को प्लस करते हो। लेकिन इन सैंपल पेपर्स के अंदर आप देख रहे हो कि SPR की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, लेकिन बेटा हम उस वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। SPR की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है तो क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली नेट प्रॉफिट की वैल्यू है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वगैरह सब कुछ ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, तो हम दोबारा से उन वैल्यूज को नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू आपसे जो क्वेश्चन में निकालने के लिए बोली गई है वो है क्लोजिंग कैश की वैल्यू निकालनी है, तो ओपनिंग या क्लोजिंग कैश निकालने के लिए वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी गई है, ओपनिंग वाली भी दी गई है, क्लोजिंग वाली भी दी गई है। पॉइंट इज कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो आपने बीच में परचेज की है, ठीक है, दिखाया हुआ है ना एक पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब इन्वेस्टमेंट बोला गया है लेकिन फिर भी हमने उसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में नहीं लिया है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होती है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट के बराबर मानी जाती हैं, कैश इक्विवेलेंट मानी जाती हैं, ठीक है, इसलिए
हम जब क्लोजिंग कैश कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैश की वैल्यू, अब जो क्वेश्चन के अंदर हमारा क्लोजिंग कैश दे रखा है दैट इज 2 लाख रुपीज, क्लोजिंग कैश 2 लाख दे रखा है, और उसमें हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज की जो परचेज क्लोजिंग के टाइम पे दिखा रखी है दैट इज 1.5 लाख। क्लियर हो गया? तो क्लोजिंग कैश जो होगा वो हमारा 3,50,000 होगा जो वैल्यू होगी। ठीक है, ओपनिंग भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ओपनिंग कैश क्या रहेगा? अब ओपनिंग कैश की वैल्यू हमारे पास 3 लाख दे रखी है और ओपनिंग के टाइम पे 1 लाख मार्केटेबल सिक्योरिटीज की परचेज दिखाई हुई है, तो ओपनिंग कैश हमारे लिए 4 लाख रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इस पॉइंट को, इस लॉस वाले पॉइंट को हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसका इंश्योरेंस अगर मिला है तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, और इससे रेलेवेंट जहां भी, जिस भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो होपफुली खत्म हो गई होगी। तो आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतनी सारी क्वेरीज तो मेरे पास ही आई हैं, तो बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। ये स्मार्ट प्ले वाला जो क्वेश्चन है, स्मार्ट प्ले कर रहा है सच में, और बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उन लोगों को भी ये पॉइंट समझ में आए। ऐसी ही क्लासेस के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।